मास्क मुफ्ती तारिक मसूद। इहतलाम में शक। अब्दुल रहमान साहब मुल्तान से पूछते हैं, मैं सुबह उठकर जब वॉशरूम जाता हूं तो जिस्म पर वाइट निशान होता है, जबकि रात को मुझे इस किस्म का ख्वाब भी नहीं आया होता, तो क्या ये इहतलाम ही है? जबकि इहतलाम तो शहवत से ही आता है। मेरी उम्र 13 साल है तो जब मैं नहाने का कहता हूं तो अम्मी कहती हैं, बेटा अभी कल ही तो नहाए हो, तो मैं खुलकर बयान भी नहीं कर पाता, रहनुमाई फरमाइए। अम्मी को बोले, अम्मी मुझे बस शौक है नहाने का, उसमें यह क्या कल नहाए हो? तो बहुत से लोग रोजाना नहाते हैं, तो आप अम्मी को बोलते हैं मेरा दिल चाहता है मैं रोजाना नहाया करूं, सुबह सुबह साफ सुथरा होकर फ्रेश हो जाता हूं, तो इतनी क्लियर बात करने की क्या जरूरत है अम्मी के सामने? बाकी गुसल जो फर्ज होता है, अगर आपने वाकई निशान देखा है तो रात आप सोए थे तो कपड़ों पर निशान नहीं था, और सुबह उठे तो गंदगी का निशान है, नापाकी का निशान है, तो वो एहतलाम ही है फिर, क्योंकि बाज़ दफ़ा ख्वाब आता है याद नहीं होता। तो ये कम उम्री में जो जब एहतलाम शुरू होता है तो ऐसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नाइट फॉल होता है तो उसमें पता ही नहीं चलता, ख्वाब याद नहीं होता, तो आप ऐसी सूरत में गुसल किया करें और अम्मी को बोल दें भाई मैं वैसे ही गुसल कर रहा हूँ। वालदैन को तो चाहिए कि बच्चों को खुद से ये नॉलेज दे दिया करें, ख़ासतौर पर बाप को चाहिए कि वो खुद या किसी के जिम्मे लगाए कि बच्चों को जब बालिग होने के करीब हो, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को कुछ मसाइल बता दिया करें। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो परेशान होते हैं, हमारे कैसे ख्यालात हैं, हमें कैसे ख्वाब आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, फिर वो जाके लौंडे लपाड़ों में बैठते हैं, स्कूलों में डिस्कशन करते हैं, वो लड़के उनको और ख़राब कर देते हैं, गलत चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं, बाज़ बच्चे डरा देते हैं कि ये इहतलाम हो रहा है, तुम्हारी तो हड्डियों का जूस निकल के आ रहा है, तुम तो मर जाओगे और कमज़ोर हो जाओगे, और मनी का एक कतरा खून के 100 कतरों से मिलके बनता है, उससे बच्चा और डिप्रेशन में जाता है, फिर जाली हकीमों के हत्ते चढ़ जाता है, वो छुप छुप के दवाएं खा रहा होता है हकीमों से, जाली हकीमों से ले लेके। तो इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों को खुद ही गाइड कर दिया करें, जब वो करीबुल बुलूग हो रहे हैं तो उनको बता दिया करें कि ये नेचुरल है और इस तरह मर्द और औरत में अल्लाह ने फ़र्क रखा है, तो उसमें शर्माना नहीं चाहिए, तमीज़ के दायरे में रह के उनको बता देना चाहिए। माओं को चाहिए वो बेटियों को समझा दें, बाप को चाहिए वो बेटों को समझा दें, ताकि वो गलत जगहों से नॉलेज हासिल ना करें और फिर बर्बाद ना हो जाएं, वो अपनी सेहतों को भी ख़राब करते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं।